हाय गाइस, टुडे वी टॉक अबाउट न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल सेक्टर इन इंडिया। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि 1 अक्टूबर 2020 के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर कुछ बदलाव होगा, तो बदलाव क्या होगा इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर 2020 के बाद जो भी गाड़ियाँ आएंगी उसके अंदर TPMS सेंसर अनिवार्य कर दिया है। यानी कि इंडियन मार्केट के अंदर जो भी कार मैन्युफैक्चरर कार लेकर के आती है 1 अक्टूबर 2020 के बाद, तो उसके अंदर TPMS सेंसर देना अनिवार्य होगा। TPMS सेंसर है क्या? TPMS सेंसर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है जो हमें टायर के प्रेशर को रेगुलरली अपडेट करता रहता है एक डिस्प्ले के थ्रू, जिससे हमें यह पता लगता है कि हमारे टायर के अंदर प्रेशर कितना है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे टायर की लॉन्ग लाइफ बढ़ जाएगी। तो होंडा ने 2008 से ही अपने फोर व्हीलर के अंदर TPMS सेंसर देना अनिवार्य कर दिया था। यानी कि उसने जो भी गाड़ी 2008 के बाद बनाई उसके अंदर TPMS सेंसर उन्होंने दिया। यह एक अच्छी टेक्नोलॉजी है जो हमारे कस्टमर के लिए और हमारे कार मैन्युफैक्चरर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब अगर हम बात करते हैं कि TPMS सेंसर अगर गाड़ी में दे रहे हैं तो टाइम टू टाइम हमें यह पता लगता रहेगा कि टायर के अंदर प्रेशर कितना है, हवा है या नहीं है, यानी पंचर है या नहीं है। तो उससे क्या होगा? उससे एक क्वेश्चन और खड़ा हो जाता है कि स्पेयर व्हील की आवश्यकता होगी या नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2002 से यह कह दिया था कि जो भी ऑटोमोबाइल इंडिया के अंदर सेल आउट होगी उसके अंदर स्पेयर व्हील होना जरूरी है। यानी कि जो भी गाड़ी इंडियन मार्केट के अंदर बेची जाती उसके अंदर स्पेयर व्हील दे ही रहे थे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। लेकिन 1 अक्टूबर 2020 के बाद वह बाउंडेशन ख़त्म हो जाएगा। कोई भी कार मैन्युफैक्चरर अगर अपनी गाड़ी के अंदर TPMS सेंसर नहीं देगा तो कानून के खिलाफ होगा। लेकिन स्पेयर व्हील दे या ना दे ये उसकी मर्जी होगी। यानी कि स्पेयर व्हील अब अनिवार्य नहीं होगा 1 अक्टूबर 2020 के बाद। यह कार मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपनी गाड़ी के अंदर स्पेयर व्हील दे या दे रहा है या नहीं दे रहा है। TPMS सेंसर अगर हमारी कार के अंदर आता है तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि कई कस्टमर के मन में यह सवाल चल रहा होगा कि TPMS सेंसर क्यों अनिवार्य कर दिया गया है, यानी ये क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे मेन जो इसका मुद्दा है वो क्या है। अगर गाड़ी लो टायर प्रेशर पे चलती है तो इससे क्या होगा, गाड़ी का जो फ्यूल इकोनॉमी वो कम हो जाएगा। सीधी सीधी अगर हम बात करें तो डायरेक्ट इफेक्ट उसका पोल्यूशन से है। यानी कि जब हम गाड़ी BS4 चला रहे थे तो उसके बाद BS6 लाया गया, तो ये 6 क्यों लाया गया? क्योंकि हमें पोल्यूशन रेट को कम करना था। तो TPMS सेंसर यह एक पोल्यूशन के अंदर बहुत ही बड़ा हिस्सा, यानी कि उसके अंदर एक ऐसा बदलाव करेगा जिससे पोल्यूशन कम हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर हमारी गाड़ी पंचर है और हमें पता नहीं लग रहा, हम गाड़ी लेके चल पड़े, तो उससे क्या हो सकता है, हमारा व्हील चाहे वो रिम वाला चाहे अलॉय है वो ख़राब या डैमेज हो सकता है। दूसरी बात, अगर टायर है तो टायर के अंदर कट लग सकता है जिससे क्या होगा, हमें अपने पैसों की हानि खानी पड़ेगी। दूसरी बात, टायर डैमेज हो सकता है अगर प्रेशर कम है। मान लीजिए अगर पंचर नहीं है और उसके अंदर प्रेशर कम है और हम लेके चल रहे हैं, तो किसी बम्प या ब्रेकर पे जैसे ही वो हमारी गाड़ी जंप करेगी या फिर हम तेज स्पीड से निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, टायर के अंदर कट लग जाएगा। टायर के अंदर कट लग गया तो टायर का नुकसान हो जाएगा। नंबर 4 पॉइंट, उसके अंदर क्या है, वियर टीयर कम होगा। अगर गाड़ी के अंदर हमें टायर को लंबे समय तक चलाना है तो उसके अंदर टायर प्रेशर होना ज़रूरी है। अगर हमारी गाड़ी लो प्रेशर के साथ चलेगी तो हमारी गाड़ी का जो है फ्रिक्शन रेट वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारी गाड़ी का टायर वियर टीयर बढ़ जाएगा। और वियर टीयर बढ़ जाएगा तो जो हमारी गाड़ी 30,000 रुपया, 40,000 रुपया, 50,000 रुपया, 1,00,000 रुपये हमारा टायर चेंज होना था, वो हमें जल्दी कराना पड़ेगा। और अगर हमारी गाड़ी में अगर ये सेंसर नहीं है तो हम डायरेक्ट बार बार ये बोलेंगे कि टायर मैन्युफैक्चरर ही इसका जो है जिम्मेवार है, क्योंकि उसने टायर सही नहीं दिया। लेकिन कस्टमर ये नहीं सोचते कि हमने उसको जो है लो प्रेशर के साथ उस गाड़ी को चलाया जिससे हमारी गाड़ी का वियर टीयर बढ़ गया है। तो बात हो गई TPMS सेंसर की। नेक्स्ट थिंग, अगर कार के अंदर, नई कार के अंदर अगर TPMS सेंसर आ रहे हैं तो पुरानी कार का क्या होगा? नई कार के अंदर अगर TPMS सेंसर आ रहे हैं तो पुरानी कार के अंदर क्या वो बदलाव होगा या नहीं होगा, या फिर वो गाड़ियां रोड पे चलेंगी नहीं चलेंगी?
तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो गाड़ी हमारी पुरानी है उसके अंदर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि उसके अंदर TPMS सेंसर होगा या नहीं होगा, लेकिन वो गाड़ियां जो है कंटिन्यू चलती रहेंगी। जिस कस्टमर के पास भी पुरानी गाड़ी है वो चला सकता है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नई गाड़ी आएंगी सिर्फ उसके अंदर TPMS सेंसर देना पड़ेगा, वो भी उनको जो कार मैन्युफैक्चरर है। नेक्स्ट थिंग, अगर किसी के पास पुरानी गाड़ी है और वो इस अपडेट या इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहता है तो क्या करेगा, तो ये बहुत ही आसान होगा। आप मार्केट से उसको जो है इंस्टॉल करवा सकते हैं या किसी डीलर पे जाकर के आप अपनी पुरानी गाड़ी में TPMS सेंसर लगवा सकते हैं। तो TPMS सेंसर है क्या और ये वर्क कैसे करता है, इसके अंदर एक्चुअल टेक्नोलॉजी क्या है, इसका जो है प्रिंसिपल क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यह जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।